जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ जो हमारा एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको आप ऐप कहते हैं। ऐप की फॉर्म में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त जो स्टूडेंट अकाउंट है वो मैंने ओपन किया हुआ है लैपटॉप पर। इसको आप मोबाइल पे ऐप के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है कि डिस्कशन कैसे की जाएगी इसके अंदर आपस में, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्कशन है उसमें काफ़ी लिमिटेशन हैं। आप किसी खास मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते। इन चीज़ों का काफ़ी चीज़ें वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वर्बल के तमाम टॉपिक इसमें मौजूद हैं। आज इसमें क्विज भी ऐड हुए हैं। यहाँ मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ मॉड्यूल में आपके पास रेशियो के क्वेश्चंस, एज के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शनल, ये कहूट, उसके बाद नीचे स्पीड, स्पीड के क्विज हो गए हैं, तो वो भी अपलोड कर देते हैं। उसके बाद एनोलॉजीज, ये इसका एनोलॉजी का क्विज है। उसके बाद सीरीज के लेक्चर, सीरीज के क्विज हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई हैं। ये वोकेबलरी, वोकेबलरी की पीडीएफ फाइल यहाँ पर मौजूद है, और भी चीज़ें, और जो भी आपका लाइव टेस्ट होता है वो यहाँ पर आएगा। अभी वर्बल का कोई लाइव टेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आया हुआ। ये वर्बल की वो फाइल्स जो आप लोगों के साथ टेस्ट होते हैं और फिर हम उनको डिस्कस करते हैं। तो वर्बल टेस्ट ए पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप वो फाइल देख सकते हैं कि टेस्ट में कौन कौन से सवाल आए थे। और ये वर्बल टेस्ट रिव्यू वन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 45 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें आप इधर यहाँ से देख देख सकते हैं कि हर सवाल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, चलें वापस आ जाएं मॉड्यूल पे। ये हमारा वर्बल था, इसमें मजीद टॉपिक अभी जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। डैशबोर्ड पे आए, उसके बाद आपका नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल के टॉपिक सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये जितनी वीडियोज हैं, अगर आप ये सारी वीडियोज देख लें आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे नॉन वर्बल के। इसमें क्विजेज ऐड होने वाले हैं, होपफुली अगले 2 से 3 दिनों में सारे क्विजेज भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। चलते हैं एकेडमिक पे। बड़ा जबरदस्त एकेडमिक मेंटेन हो रहा है, और अभी एक एक्टिविटी में एकेडमिक, ये एकेडमिक में आप आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पहले इंट्रोडक्शन, एकेडमिक होता क्या है उसका एक अपना क्विज है, फिर ये मैथ मैथमेटिक्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं मजीद ऐड हो रहे हैं। इस्लामियात में वापस आता हूँ थोड़ी देर में, हमने अभी इस्लामियात डिटेल से डिस्कस करना है। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस बाय स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स पिछले पेपर देके आ चुके हैं 147 में, 148 में, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए वो बिल्कुल उन्हीं के अल्फाज में यहाँ पर कॉपी पेस्ट हुए हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके इनको पढ़ सकते हैं, उनके सवाल पढ़ सकते हैं। तो आपको एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है कि अच्छा इस तरह के सवाल आते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट करके आप सारे की सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये कर लीजिएगा, इसको छोटा वो कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। ये लाइव टेस्ट पोर्टल, आज आपका जो टेस्ट एकेडमिक टेस्ट भी हुआ था यहाँ पर, जिन्होंने ऐप से टेस्ट दिया है, आप इसको ऐप में भी दे सकते हैं और लैपटॉप पे ओपन करके भी दे सकते हैं। ये आज 7:30 से 7:30 तक ओपन था, अब ये क्लोज हो गया है। जिन स्टूडेंट्स का मसला आया है, 3 से 4 स्टूडेंट का मसला था, मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं उनके लिए टेस्ट दोबारा ओपन कर दूंगा। सिर्फ उन्हीं के पोर्टल में अपडेट होगा, बाकियों के पोर्टल में ये एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जो दे चुके हैं जिन्होंने दोबारा देना है मुझे काइंडली व्हाट्सअप कर दें, मैं एक्टिव दोबारा करवा दूंगा, ये हो जाएगा। तो ये लाइव टेस्ट का पोर्टल है, यहाँ पर सारे के सारे आपके जो भी लाइव टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट का मतलब है एक खास टाइम पे स्टार्ट होगा और आपने उसी वक्त वो टेस्ट देना होता है। बेसिक इक्वेशन सॉल्वर हमारा हो चुका है, एकेडमिक टेस्ट ए परसों हुआ था, एकेडमिक टेस्ट बी आज हुआ है, और एकेडमिक टेस्ट सी होपफुली हमारा सैटरडे को होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज वीडियोज, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल, माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, इन तमाम के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इंडो पाकिस्तान 1857 से 1947, 114 मिनट की वीडियो है। उसके बाद पाकिस्तान 1947 से 2020, 108 मिनट की वीडियो है। लाहौर रेजोल्यूशन 8 मिनट की वीडियो, शिमला कॉन्फ्रेंस 8 मिनट की वीडियो, सारी सारी डिटेल यहाँ पर, ये मजीद भी अभी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ये लाजमी देख लें, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो वीडियोज़ हैं, और इसमें हमने कुछ और चैनल से भी, कुछ और लोगों की वीडियो से भी हेल्प ली हुई है, मेरी वीडियो के अलावा ये वीडियो है। अच्छा, ये तमाम वीडियो लेक्चर सब मौजूद है। अब आ जाएं यहाँ पर इस्लामियात में। ये इस्लामियात के क्वेश्चन पे जब आप क्लिक करेंगे आपके पास आपके मोबाइल पे उसी ऐप के अंदर फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। जब आप उसको क्लिक करेंगे डाउनलोड होगी या ओपन होगी, ये देखें यहीं पर ओपन हो गई है। गुड, ये तकरीबन 300 क्वेश्चन हैं इस्लामियात के। इट विल टेक फ्यू मिनट्स, वैसे इतनी हैवी है नहीं, 2 MB की फाइल है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रही है आपके मोबाइल में। जब फर्स्ट टाइम एक्टिविटी होगी कोई भी चीज़ को, थोड़ा टाइम लेगी, बाद में इतना इशू नहीं होता। चलिए इसको अपलोड करते हैं क्वेश्चन।
जी मोहम्मद हमजा खान, योर क्वेश्चन प्लीज। आपने हैंड रेज किया हुआ है, मोहम्मद हमजा खान। मोहम्मद हमजा खान, हुज़ैफ़ा खान, योर माइक इज ऑन। समीर अब्बास, योर माइक इज ऑन। जी समीर, आपकी आवाज नहीं आ रही। समीर आप बोल तो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी समीर जी, सर मुझे ये पूछना था, जो आप ये अभी समझा रहे हैं ये कोई ऐप है, इसका मैं लिंक कहाँ से मिलेगा, ये जो जी, आप पोर्टल अभी आप शो कर रहे किया है समीर, आपने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, इसलिए आपकी इसकी आईडी बनी होगी। आप मुझे मैसेज कीजिएगा अपना फुल नेम लिख के, मैं आपकी आईडी पासवर्ड बना के आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अच्छा ये फाइल है, ये फाइल आपके मोबाइल में जो ऐप है उस पर भी खुल जाएगी और आपके पास ये लैपटॉप पे भी खुल जाएगी। इफ यू हैव लैपटॉप, ये बात बड़ी अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें, अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर लैपटॉप पे ही पढ़ाई करें, लैपटॉप पे ही क्लासेस लें, लैपटॉप पे ही तैयारी करें, लैपटॉप पे टेस्ट अपीयर हों, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन अगर नहीं है तो मसला कोई नहीं है, आप सब कुछ मोबाइल पे भी कर सकते हैं। इस वक्त देखें, अगर अगर मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो बड़ी चीज़ें बड़े साइज में नज़र आती हैं, सिस्टमेटिक नज़र आती हैं, तो ज़रा आसानी हो जाती है। अच्छा ये फाइल है, फाइल के शुरू में एक डिस्क्लेमर, चीज़ें उसके बाद ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 of 300, 2 of 300, टोटल 300 सवाल की फाइल ये आपके पास अपलोड है आपके LMS में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। इसमें तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर। अब करना क्या है ज़रा वो चीज़ देखें, ज़रा दोबारा जाएंगे आप यहाँ से, बल्कि नेक्स्ट पे चले जाएं, नीचे नेक्स्ट का बटन आ रहा है ना, इसको ज़रा मैं ऊपर कर दूँ, ये चलो। चले ये नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये चीज ये आ गया है, इस्लामियात 300 आंसर्स। ये डिस्कशन पैनल है बेसिकली, देखें राइट साइड पर देखें डिस्कशन, ये डिस्कशन करने का तरीकेकार है। आप स्टूडेंट्स ने आप इसमें क्या करना है, आपने यहां पर क्वेश्चंस को टाइप करना शुरू कर देना है। आपने लिखना है कि क्वेश्चन जो 1 of 4 नंबर क्वेश्चन था, आप इसे करें Q4 और इसका जवाब लिखना है। क्या था Q4? Q4 क्या था, मैं एक दोबारा मोबाइल पे खोल लेता हूँ, अभी आप लोग भी मोबाइल पे सब लोग ओपन करेंगे, ये ऐप में बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 था इस फाइल में, क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मैरिड हजरत खतीजा रिंताला नो एट द एज ऑफ जी। इसका जवाब कमेंट में चैटिंग में बताइएगा, या इसका जवाब चैटिंग में बताइएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी जब उन्होंने हजरत खतीजा रिंताला से शादी की। उनकी एज 25 ईयर्स थी। तो क्या करना है आपने, इसका रिप्लाई करते हुए आप सिर्फ यहाँ पर क्यू कैपिटल कर लें ताकि सबको पता हो, डैश लगानी है, ये हम एक्सटेंडेड फॉलो कर रहे हैं ना, ताकि सबको पता हो। क्वेश्चन नंबर 4 और ये डिस्कशन कौन सी है, इस्लामियात 300 क्वेश्चन फाइल अपलोड हुई हुई है। तो आप यहाँ पर उसका जवाब लिख दें 25 ईयर्स, ये लिख के, ये आप सब कर सकते हैं, ये लिख के आप इसे पोस्ट रिप्लाई करना, सेविंग रिप्लाई आ गया। अब मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, आप सब लोग जूम को मिनिमाइज करें और जाके अपनी ऐप ओपन करें, इस्लामियात में जाएं, वहाँ डिस्कशन है। आप सब लोग भी बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैं वो बता देता हूँ आपको क्या है। हाउ मैनी सजदाज आर देयर इन होली कुरान, कितने सजदे हैं होली कुरान में, कुरान में कितने सजदे हैं, कुरान में कितने सजदे हैं। चलें, अब आपने ये ना मुझे व्हाट्सएप पे बताना है, ना आपने ये मुझे जूम पे बताना है, सब लोग मिनिमाइज करें, अपनी अपनी ऐप खोलें, ऐप खोल के वहां पर लिखें Q-3 और आंसर लिखें 14। तो मैं ये रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं किस किस का यहाँ पर रिप्लाई आता है। इतनी देर में मैं यहाँ पर जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं उनके माइक ओपन करके, जी माजिद हुसैन, माजिद हुसैन योर माइक इज ऑन, माजिद हुसैन योर माइक इज ऑन, माजिद हुसैन योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल ये था कि जो हमने टेस्ट एकेडमी का जो टेस्ट दिया है, वो आपने जो लिंक शेयर किया था ग्रुप में, हमने वहां से वो लिंक ओपन किया और पोर्टल पे हमने टेस्ट दे दिया, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा वो LMS में जाएगा कि नहीं? जी जी जाएगा, लेकिन ये मैं बता दूं थोड़ा सा, उस ये जो लाइव टेस्ट होते हैं
इसकी ग्रेडिंग नहीं, इसकी ग्रेडिंग अलग हो रही होती है, ये पोर्टल में नहीं आएगी, सॉरी एलएमएस में नहीं आएगी, इसकी अलग से हो रही होती है लाइव टेस्ट, ठीक है। लेकिन आप टेस्ट बेशक डायरेक्ट पोर्टल से दें या एलएमएस से दें, फर्क कोई नहीं पड़ता, सेम टेस्ट होता है, रिजल्ट एक जगह पे आ रहे होते हैं सबके, वो रिजल्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके सर। जी जैद, योर माइक इज ऑन, किस किसने रिप्लाई कर दिया है? ये चीज जबरदस्त जबरदस्त, देखा रिप्लाई आना शुरू हो गए। जवाद अहमद ने क्वेश्चन 3 का रिप्लाई किया, मुदस्सर अब्बास ने क्वेश्चन 3 का रिप्लाई किया, सैयद मुनीबुर रहमान ने रिप्लाई किया, मलिक हसनात ने किया, आदिल अहमद ने किया, अली तकी रजा ने, मुस्तफ़ा हसन ने। इसी तरह यहाँ पर मैं कहूँ मुस्तफ़ा हसन को रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखिये मैंने मुस्तफ़ा हसन के लिए नीचे लिख दिया आर यू श्योर, और यहाँ से मैंने ये सब लोग आप अपनी ऐप पर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मुस्तफ़ा हसन के क्वेश्चन को मजीद फर्दर डिस्कस करना शुरू कर दिया, उसके नीचे आप लोग भी आगे रिप्लाई करते हो। ये थ्रेड टाइप बड़ी अच्छी चीज़ बन सकती है, कोई सवाल ऐसा है जिसके ऊपर आपकी कन्फ्यूजन है तो आप उसको इस तरह से एक सवाल को डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। ये देखें अब सब लोग वंडरफुल जबरदस्त, मोहम्मद कमर ने कर दिया, तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा ये है तरीका, स्टैंडर्ड तरीका पूरी दुनिया में ऑनलाइन डिस्कशन करने का, व्हाट्सएप इज नॉट फॉर डिस्कशन, YouTube is not for discussion, Facebook is not for discussion, and Zoom जो है is not for discussion, written discussion. Zoom जो है वहाँ ये thread का option नहीं है। मैं किसी भी बच्चे का जाके यहाँ पर क्या लिखा है, आदिल अहमद, तो मैं यहाँ करता हूँ put path type Q-3 enter 14, ठीक है। तो ये हमने एक set standard define कर लिया, हमेशा क्वेश्चन का रेफरेंस हम क्यू डैश क्वेश्चन नंबर और एंटर करके निचली लाइन में हम उसका आंसर दिया करेंगे, ताकि सब बच्चों को जो पता हो कि जब उसको देखेंगे तो इस तरह रिप्लाई आ जाएगा। तो ये आ गया, अब इसको मजीद एक दफा F5 करते हैं फ्रेश, देखते हैं और कितने लोगों ने, चलें जी ये देखें कितने लोग आ गए हैं, जबरदस्त। जवाद, मुदस्सर अब्बास, तकी, मुस्तफ़ा, शहीर रवान, जमान रफीक, नुमान अली, उजैफा खान, रूहान शेख, रूहान शेख ने रिप्लाई किया है उजैफा खान के अंदर, ये अलग से रिप्लाई अंदर से आ रहा है, ठीक है। मोहम्मद असगर, मोहम्मद मुदस्सिर, तकी, चलो ये बात को आगे डिस्कशन का तरीका अब क्या होगा आपने ये सिर्फ। अच्छा एक और चीज़ देखनी है आपने, जब आप मॉड्यूल में जाएंगे यहाँ पर मैंने नीचे ये इस्लामियात, तो ये इस्लामियात क्वेश्चन को मैं रीनेम कर देता हूँ आपके लिए। कैसे करूँगा रीनेम, अच्छा आपके साथ ये फाइल शेयर है, रीनेम इस्लामियात क्वेश्चंस 300 अपडेट, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये इस्लामियात क्वेश्चन 300 हो गया, और ये इस्लामियात 300 आंसर, ये क्वेश्चन की फाइल है, इसको आप ओपन कर लें, ये आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर ली गई है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको यहीं ओपन करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में एक दफा ओपन की 3 दिन बाद वो गवाच जाएगी, वो गवाची हुई फाइल फिर नहीं मिलती, लेकिन LMS में एक दफा फाइल यहाँ पर आपने ओपन कर ली तो ये हमेशा यहीं पर आपको मिलेगी रेफरेंस के लिए इस, और यहाँ पर आप इसके डिस्कशन पॉइंट में जाएंगे तो अब यहाँ पर और भी बहुत से लोग ऑलरेडी जवाब दे चुके होंगे। अच्छा कुछ लोगों ने फोटो भी लगाई है तो अच्छी बात है यार, लगा लो, देखो मोहम्मद जुबैर ने कितनी जबरदस्त तस्वीर लगाई हुई है, शहीर रवान ने पिक्चर लगा ली है, माजिद हुसैन ने भी लगा ली, अपनी अपनी पिक्चर जरूर लगा लें प्रोफाइल में जाके, जैद हसन ने जो है वो बनी वाली तस्वीर लगाई हुई है, दैट्स गुड। सामा रहमान ने मुंह छुपाया हुआ है, क्यों भाई रेगिस्तान में हो, ये परमा लिखते ना बाइक चलाते हुए यार रेतरा चलती हो। चलें जी, ख्याल नवाज की बड़ी अच्छी पिक्चर लगी हुई है, काइंडली डिस्कस क्वेश्चन वन, देखें जबरदस्त। अब शहीद ने कहा है क्वेश्चन वन को डिस्कस कर लेते हैं, तो आप सब कुछ इस थ्रेड के अंदर कर सकते हैं, और आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 5 वर्सेज राणा दलान ने जवाब दे दिया क्वेश्चन 6 का, तो इसको जरा इस्तेमाल करें, होपफुली ये बहुत अच्छे तरीके से आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगी। ये पीपल है, मैं देख सकता हूँ एकेडमिक में और लोग मेरे साथ कौन कौन शामिल हैं, ये आप लोग भी देख सकते हैं, ये आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन इनकी पेंडिंग आ रही है, इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, कमरान अहमद ने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं की हुई रिक्वेस्ट। अच्छा मैं इनको क्या मैसेज भेज सकता हूँ एज अ स्टूडेंट, आप आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे पास,
वो एक्टिव हुआ हुआ था, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहा ऐप में, मैंने ऑप्शन एक्टिव कराया तो था। चलें ठीक है, यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं, किसी की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा देखें, आपको ये भी पता लग गया कि मुदसर अब्बास कौन कौन से कोर्स में इनरोल है, ये वर्बल इंटेलिजेंस में भी इनरोल है, नॉन वर्बल में भी इनरोल है, अकेडमिक्स में भी इनरोल है, आपके तीनों उसमें साथ पार्ट है। तो ये है जी आप लोगों का इस्लामियात का तरीका। बिल्कुल इसी तरह हम लोग एक फाइल अपलोड कर देंगे और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, और आप लोगों ने यहीं पर अपनी डिस्कशन करते जानी है। ये डिस्कशन आज आप करेंगे, अगले 3 महीने तक आपकी सेव रहेगी। जो जो लोग LMS पे आए हैं सब लोगों की IDs रीसेट हो जाएंगी 10 जनवरी को। 10 जनवरी तक आपके पास ये टूल मौजूद है, उसके बाद खुदा हाफिज। चल अब चलते हैं वापस। अच्छा बाकी आप जब आप ओपन करते हैं ना अपने मोबाइल, तो नीचे से ये आ रहा होता है टुनटुना सा, क्या कहते हैं उसको, नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन मतलब डिस्कशन में एक एक्स्ट्रा चीज आपके पास आ गई है, ये इनबॉक्स है। अगर आप यहाँ पर किसी से रब्ता करना चाहें, किसी को मैसेज करना चाहें, आप लोगों ने मुझे किए हैं, तो यहाँ से अगर कोई आप अपने मोबाइल से भी ये ईमेल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कहाँ से लिखेंगे, नहीं ये देखें ये राउटर ऑप्शन मोबाइल में, तो आपको और फॉर्मेट होगा। ये देखें मैं किसी को मैसेज लिखना चाहूँ तो कौन से कोर्स में, मैं कहता हूँ सेलेक्ट कोर्स, मैं एकेडमिक कोर्स में ईमेल करना चाहता हूँ। किसको करना चाहता हूँ, कोई स्टूडेंट आएगा बास, हाँ गुड। आप आपस में एक दूसरे को ईमेल भी कर सकते हैं, आप जैनुल आबिदीन को मैं लिख रहा हूँ, मैं ये अभी स्टूडेंट अकाउंट लॉगिन किया हुआ, ठीक है, तो मैं उसको लिखता हूँ प्लीज रिप्लाई, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई हाउ आर यू जैन। अब ये जैन के पास ईमेल चली गई, अब ये जैन के साथ मेरा आपस में रब्ता हो रहा है। तो देखें व्हाट्सएप खत्म हो गया, और ये हम आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। मैं जैन को कोई अटैचमेंट भी भेज सकता हूँ कि यार ये पिक्चर देख लो, या ये फाइल देख लो, या ये चीज़ देख लो, ये देखो क्रिकेट का एक वो बना हुआ है, कोई लोगों से पता नहीं डाउनलोड हुआ है, तो ये मैं उससे आपस में आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये डाटा आपका यहाँ पर सेव रहेगा, और अगर आप सबको भेजना चाहें तो शायद वो भी ऑप्शन होता है, क्योंकि मैं खुद भी आपके साथ ये चीज़ें सीख रहा हूँ, मुझे भी इतनी चीज़ें नहीं पता। सेंड एन इंडिविजुअल मैसेज टू ईच रिसिपिएंट टीचर, अच्छा आप टीचर को भी भेज सकते हैं, आपने मुझे ईमेल भेजनी है, आप क्लिक करें ISSB Academy पे क्लिक करें, आप यहाँ से मुझे ईमेल कर सकते हैं, काइंडली एक्टिव माई अकाउंट की जो भी चीज़ें हैं, और नीचे डिटेल यहाँ पर टाइप करके ईमेल कर देंगे, रिप्लाई आ जाएगा। तो ये फुली फंक्शनल सेंट्रलाइज और बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसको इस्तेमाल करना सीख लें। सर मेरी पिक्चर अपडेट नहीं हो रही, पिक्चर अपडेट नहीं हो रही, अच्छा देख लेंगे, अपडेट नहीं हो रही तो हो जाएंगी ठीक। अच्छा ये जो इसके अंदर ईमेल का सिस्टम है, ये सिर्फ इस LMS के अंदर काम करेगा, ये वो जीमेल या याहू वाला ईमेल नहीं है, या इसको ईमेल ना कहें, इसको मैसेज कह लें, ये आपका इनबॉक्स होगा, इस इनबॉक्स के अंदर सारे के सारे मैसेजेस शो होते रहेंगे। तो ये है जी सारी डिटेल, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इस पूरे कोर्स में, ठीक है, इसको मैंने ईमेल की, क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं स्टूडेंट अकाउंट में जाके। ये कोर्स आ गया, कोर्स में अगर आप जाएं एकेडमिक पे, अब मैं चेक करूँ कि मेरी क्या परफॉर्मेंस है, तो देखें ये रही, यहाँ पर आप क्लिक किया, आपके मोबाइल ऐप में भी ऑप्शन है, आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो ये मैंने आपकी टू डू लिस्ट में रखी हुई है, 7 नवंबर तक आपने ये देखनी है वीडियो, 7 नवंबर तक ये सारी की सारी वीडियो देखनी है, ये आपकी टू डू लिस्ट में ये आपके पास आ रहा होगा। व्यू कोर्स कैलेंडर, व्यू कोर्स स्ट्रीम, चलें आपका असाइनमेंट नोटिफिकेशन और टू डिस्कशन, ये भी आपके पास चीज़ आ गई। ग्रेड्स कहाँ आते हैं यार आपके, वो लगता है मैंने अभी आप लोगों को अलाउ नहीं किए हुए, वो उसमें आएंगे स्टूडेंट में, चलें वो भी आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा मैं इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ कि आप एक दफ़ा इस पर अलाइन हो गए ना LMS पे, तो बस फिर गोली की स्पीड से आप जाएंगे। ये है बैकेंड, बैकेंड पे मेरे पास देखें, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, अगर मैं आप लोगों को, मैंने आपको दिखा रहा था ना आपको क्या क्या चीज़ें दिखा रहा था, कोर्स में मैं जाऊँ आप लोगों को देखूँ वर्बल इंटेलिजेंस, तो वर्बल इंटेलिजेंस में मैं चेक करना चाह रहा हूँ ग्रेड्स कहाँ आते थे यार, ग्रेड्स 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 ये रहे ग्रेड्स, सिलेबस पता तो मैंने निकाल के आप लोगों से शेयर भी किए थे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये PMA 149।
व्यू ग्रेड हिस्ट्री, व्यू ग्रेड हिस्ट्री दिखाएगा भाई कुछ। हाँ ये ग्रेड हिस्ट्री आ गई। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, जिस जिसने उनका ये रिजल्ट आया हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन वो कहीं और चीज थी जो कि मुझे मिल नहीं गई। ग्रेड बुक, ग्रेड बुक में चलते हैं। ग्रेड बुक, इंडिविजुअल ग्रेड बुक जी, ये आ गई ग्रेड बुक। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आप स्टूडेंट्स ने अभी तक जो वीडियो देखी है सीरीज वन में कैसा परफॉर्म किया है। आपने दिया ना क्विज सीरीज वन, तो देखें सीरीज वन में किस किस ने अटेम्प्ट की हुई है। मोहम्मद हसनात ने की है, अब्दुल रऊफ ने की है, उसका स्कोर 8 में से 6 नंबर, 8 में से 3 नंबर, 6 3, ये सारी की सारी चीजें। तो ये बैकेंड से मैं चेक कर सकता हूँ। ये मुझे इनबॉक्स भी आया हुआ है, किसने किया इनबॉक्स? मोहम्मद मुदस्सर ने, बिल्कुल भी किया था मोहम्मद मुदस्सर ने मुझे। अच्छा ये भी क्या था, ये चलो ठीक है। 9:24 हो गए, 9:24 हो गए, इतना टाइम हो गया। अच्छा चलें, तो ये उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी, और फर्दर भी मैं आपको एक दो मॉड्यूल, अब आपने डिस्कशन से कितना फ़ायदा उठाना है, कैसे फ़ायदा उठाना है, ये अब सारा आप पर है। लास्ट टाइम देख लेते हैं कि डिस्कशन में और लोगों ने भी किया है। किधर है डिस्कशन, किधर है डिस्कशन, डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन। अब हो ये गया है कि आपके पास फाइल एक जगह पे मौजूद है, और उस फाइल से रिलेटेड तमाम सवाल आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं और एक दूसरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल राना दरान ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 के इकट्ठे लिख दिए हैं, दैट्स गुड, दैट इज ऑल्सो अ गुड वे कि आप एक ही पोस्ट में 3 से 4 जवाब भी दे सकते हो। ज्यादा बड़े ना देना, 5-6 क्वेश्चन के एक पोस्ट में दे दिया करो, नीचे आप इससे डिस्कस भी कर सकते हो। चलिए इसको शाबाश करें। कलर नहीं चेंज होता यार, होता है भाई, गोल्ड यस, ये ले भाई, गुड। चलो ये मैंने पोस्ट कर दिया। जो शाहिद राणा की आईडी है ये मेरी स्टूडेंट की आईडी है, तो मैं आपके साथ स्टूडेंट एज इंटरेक्ट करता रहूंगा। अगर आप कहीं पर टॉप डिस्कशन क्रिएट कराना चाहें, आप कहें सर वो डिस्कशन क्रिएट कर दें इसके नीचे, और मुझे ये देखें 2 डिस्कशन हुई हुई है क्रिएट। अच्छा मॉड्यूल में जाएंगे, मॉड्यूल में जाके अगर आप कहेंगे सर हम डिस्कस करना चाहते हैं या इस तरह का, हमें बड़ा मजा आया ये इस्तेमाल करके, तो काइंडली प्लीज आप जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के नीचे डिस्कशन क्रिएट कर दें, तो मैं आपके लिए यहाँ पर भी डिस्कशन का मॉड्यूल क्रिएट कर दूंगा, आप आपस में इसमें भी डिस्कशन कर सकते हैं। आज की क्लास से जो हमने चीज सीखी, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।